हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सभी बर्तन का जो इंफ्रारेड कुकटॉप आता है उसके बारे में। तो बहुत कोई को समझ में नहीं आता है कि केवल स्टील बर्तन वाला और सभी बर्तन वाला में क्या अंतर होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंफ्रारेड कुकटॉप के बारे में, जिसमें आपका सभी बर्तन चढ़ेगा। तो अभी तक का सबसे बेस्ट ब्रांड जो है सभी बर्तन के लिए, वो पिजन का देख पा रहे हैं। दो मॉडल आता है, एक रेडियंट और एक ईवा। तो ये ईवा का बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें सभी बर्तन आप आसानी से चढ़ा सकते हैं, स्टील हो, अल्मोनियम हो, ये लोहा का भी बर्तन इसमें आसानी से चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं किस तरह से डिजाइन है, इसमें क्या क्या फीचर्स दिया गया है। तो देख पा रहे हैं काफी अच्छा तरह से पैक किया गया है इसे। तो देख पा रहे हैं एक जाली इसके साथ में मिल जाता है, जिसे आप इस तरह से रख के इसके ऊपर में पापड़ वगैरह, टमाटर वगैरह पका सकते हैं। फर्स्ट लुक का बात करें तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसमें। ऊपर में काफ़ी हैवी टफन ग्लास का यूज किया गया है, जल्दी आपका टूटेगा नहीं। बैक में स्टील बॉडी दिया गया है, पूरे चारों तरफ से स्टील बॉडी है। और वेंट भी सभी साइड आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। और बटन वगैरह सारा स्क्रीन टच में दिया गया है, और यहाँ पिजन का ब्रांडिंग किया गया है। तो लुक वाइज काफ़ी ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके बिल्ट क्वालिटी की। तो टफन ग्लास काफ़ी मोटा दिया गया है, देख पा रहे हैं, जल्दी टूटने का चांस नहीं है। और जो इसका ग्रिप है ये भी काफ़ी ऊँचा दिया गया है, ताकि आपका कुछ भी नीचे अगर गिरता है पानी वगैरह तो उससे बचाएगा ये। और वायर लगभग 1.5 मीटर के आसपास का है, और नॉर्मल क्वालिटी दिया गया है। इसमें थोड़ा सा हेवी क्वालिटी चाहिए था। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं 2000 वाट का है ईवा इंफ्रारेड कुकटॉप। इसको वोल्टेज जो चाहिए 220 से 240 के आसपास चाहिए। तो इसमें प्रोटेक्शन जो है क्लास 1 का आपको मिल जाता है। जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स इसमें टफन क्रिस्टल ग्लास दिया गया है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है और कंपेटेबल विथ ऑल फ्लैट बॉटम यूटिलिटीज दिया गया है। जैसे कि कोई भी बर्तन है उसका नीचे सरफेस है, जो इसमें इतना जगह दिया गया इसमें फ्लैट बैठ जाना चाहिए था। टाइम कंट्रोल दिया गया है इसमें, अब अपना यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइमर दिया गया है। जैसे कि ये जान रहे हैं कि 10 मिनट में हो जाएगा, तो 10 मिनट यहाँ पे टाइम सेट करके आप इसको ऑन कर दीजिए, 10 मिनट में खुद ब खुद वो बंद हो जाएगा। तो वाटेज कंट्रोल यहाँ देख पा रहे हैं डाउन एंड अप दिया गया है। माइनस वाला दबाइएगा तो कम हो जाएगा, और प्लस वाला दबाइएगा तो 2000 तक हाईएस्ट है, और लोएस्ट आपका 100 तक आ जाएगा। नीचे ऑटो कट दिया गया है, ज़्यादा देर अगर चलाते हैं रेगुलर तो ये ऑटो कट भी हो सकता है, बीच में बंद हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि बंद क्यों हो गया। और फेदर टच ऑपरेशन दिया गया, मतलब आसानी से आप इसमें इस तरह से हल्का सा भी टच कर दीजिएगा तो ये काम करने लग जाएगा। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो लाइन आ गया है इसमें, तो यहाँ से ऑन ऑफ का आपको बटन देखने के लिए मिल जाएगा। हॉट पॉट है यहाँ, प्लस माइनस यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑन कर देते हैं फ्रेंड्स, ऑन हो गया है ये। अब इसमें बर्तन चढ़ाने का ज़रूरत है आपको, हॉट पॉट या एस फ्राई में दोनों में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे गर्म होना शुरू हो जाएगा, यहाँ टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं प्लस माइनस करके, जय मिनट आपको चाहिए। यहाँ से वोल्टेज कम बेसी कर सकते हैं, तो यहाँ वाटेज नहीं दिखाएगा आपको, डिग्री में दिखा रहा है 650 डिग्री। यहाँ से हीट देना शुरू कर दिया है ये, तो देख पा रहे धीरे धीरे ये रेड हो रहा है, कुछ देर में पूरे तरह से रेड हो जाएगा ये। और इसे आप कम भी कर सकते हैं, 60 डिग्री तक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे चलाने में आप बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसका जो ऊपर का टफन ग्लास है वो टूट जाता है। तो बहुत कोई क्या करते हैं गोल पेंदी वाला बर्तन चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो प्रेशर है एक जगह पे टिक जाता है, और पानी वगैरह गिरता है इससे फूटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ फ्रेंड्स इसकी वारंटी का। तो टफन ग्लास का ऊपर में जो ग्लास देख रहे हैं, पहले वारंटी आता था लेकिन अब वारंटी कंपनी नहीं दे रही है। ऊपर का जो ग्लास है उसमें कोई वारंटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर टूट जाता है तो
तो आपको कस्टमर केयर में कॉल करके सर्विस सेंटर वालों को बुलाना होगा और वही लोग रिपेयर करेंगे, 1000 रुपया तक आपका कॉस्ट आएगा। MRP का बात कर ले फ्रेंड्स, तो इसका 4995 रुपया MRP है, लेकिन अगर अभी बाय करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आपको 3500 रुपया में आसानी से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे कम में भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप दूसरा इंफ्रारेड कुकटॉप या इंडक्शन चूल्हा का जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस मॉडल को हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर लाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।